टेरिटरी पर चल रहे विभिन्न प्रकार के फेक व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियो को देखते हुए आदर्श ग्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंध निदेशक श्री राहुल मोदी जी ने निर्णय लिया है कि एक पत्र संस्था के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए राहुल मोदी जी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें प्रबंध निदेशक राहुल मोदी जी अपने पत्र के माध्यम से संस्था में चल रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का जाली व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब वीडियो सदस्यों को परेशान नहीं कर पाए और इस किसी भी प्रकार का सदस्यों में असंतोष उत्पन्न ना हो। पहला पत्र 25 फरवरी 2019 को राहुल मोदी जी द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो आप सभी के सामने है। आप सभी को विदित है कि हम सभी एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस समय में अब तक जो भी स्थिति आई उस पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं। कृपया ध्यान रखें कि अनेक मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन पर अभी बात नहीं रख पाऊंगा। फिर भी प्रयास करूंगा कि आप सब तक स्पष्ट सूचना पहुंचे। इस कठिन दौर में हम एक दूसरे के लिए खड़े होकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज अफसोस इस बात का है कि संस्था में 20 वर्षों की हमारी आपकी मेहनत पर ये चंद महीने हावी हैं। कितने ही लोगों ने यहाँ से रोजगार प्राप्त किया, परंतु इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े होकर यह कहने वाले कि हम साथ साथ हैं कितने लोग हैं, बस चंद लोग, वो ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि आप किससे प्रेरित होते हैं। आप अधिकांश लोग किसकी प्रेरणा से नकारात्मक हो रहे हैं। जिन लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग से आप प्रेरणा ले रहे हैं उनके बारे में जान लीजिए। क्या उनके जीवन में कोई उपलब्धि रही है? क्या वे इस लायक हैं कि आपको वे लोग प्रेरित कर सकें? हम कुछ भी काम करते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे सारे कामों के बारे में आपको कभी भी सकारात्मक पहलू बताया जाता है क्या? लगातार एक ही झूठ को हजार बार अलग अलग तरीके से अपने सामने रखा जाता है और आप इस झूठ को सत्य मानकर ऐसे व्हाट्सएप मैसेज को आगे भेजने में संलिप्त तो हो जाते हैं। एक व्यक्ति की नादानी सारे समाज को भारी पड़ सकती है। मैं सदैव कहता रहता हूँ कि आपके सामने जो भी बात रखी जाए आप उसे सत्य की तराजू पर जरूर देखें। जिस समय 13 जून को टीवी समाचार पत्र में दिखाया गया, उस समय के बाद भी लगातार संस्था भुगतान और समय पूर्व भुगतान करती रही है, परंतु कालांतर में अनेक कठिनाइयों के कारण इसमें विलंब होता गया। इन कठिनाइयों में अधिकांश कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कर दिया जाना शामिल है। जहां पर भी कार्यकर्ता सकारात्मकता के साथ आज भी काम कर रहे हैं, ऐसी अनेक शाखाओं में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसा बताया गया था कि 8,000 करोड़ लेकर मोदी विदेश भाग गया या भाग जाएगा, ऐसा तो कतई नहीं है। मैंने कई बार आग्रह किया 13 जून को जो बातें आपके सामने रखी गई उनको वापस सुनें, उसे लिखें और उन बातों को सत्य की तराजू पर रखें। आपको पता चल जाएगा कि क्या किया जा रहा है। मैं आपको लगातार व्हाट्सएप पत्र पर भेजता रहूंगा और आपकी सभी जिज्ञासाओं का जवाब दूंगा। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया सकारात्मक बने रहें और ऐसे लोगों के उपयोग का औजार नहीं बने जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया हो। ऐसे लोगों से सावधान रहे और हर बात को, हर समाचार को, हर व्हाट्सएप मैसेज को, हर लेख को, यहाँ तक कि मैं जो भी पत्र भेज रहा हूँ उसे भी सत्य के तराजू पर अवश्य तोलें। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारी नीति और नियत साफ है, इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि हम अपनी संस्था को बचाने के लिए आगे आएं और पुनः उसे प्रतिस्थापित करें। मैं आपको शीघ्र ही अगला पत्र भेजूंगा और आपसे लगातार संवाद जारी रखूंगा। जय हिंद, राहुल मोदी। दोस्तों, अगला पत्र जैसे ही प्रकाशित होता है हम सभी आपके सामने उसे दिखाएंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें और घंटी बजाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।